Hello and welcome to session number 8 of Communication Skills. In this, we are going to cover resume writing, guidelines for writing, resume components, common errors in resume writing, job application letters and memo writing. So first of all, we'll start with resume writing. Resume writing employment communication है, इसमें हम resumes और cover letters के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आपको type of resumes, component of resumes, languages जो हमें resume में use करनी चाहिए, guidelines कुछ and different types and formats for job application letters और other letters regarding employment के बारे में आपको इसमें session में बताया जाएगा. Now the general guidelines for resumes. Resumes जैसा कि आप जानते हैं personal history हमारी biodata जिसे हम नाम देते हैं. इस biodata में हम अपनी सारे skills जो भी हमारा experience है professional qualifications, academic qualifications, professional experience हमारा personal history सब कुछ हम इसमें mention करते हैं. तो इट शुड साथ साथ में हमें ये भी mention करना चाहिए कि हमारे objectives क्या हैं यानी कि हमारा focus on future. फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं हमारा मोटिव क्या है एक्चुअली वो जब तक क्लियर नहीं होगा एम्प्लॉयर को कि हम कितने डेडिकेटेड हैं काम को लेकर वो कभी भी हमें जॉब के लिए रिकमेंड नहीं करेगा. तो इट शुड फोकस ऑन फ्यूचर कि फ्यूचर में हम बहुत ही डेडिकेटेड हैं वर्क को लेकर एंड इट शुड फोकस ऑन एम्प्लॉयर नीड्स. एम्प्लॉयर को जिस चीज़ की ज़रूरत है हमसे उस चीज़ पे अगर फोकस नहीं किया अगर वो आपसे चाहते हैं अगर आपका जॉब कम्युनिकेशन को लेकर है और अगर आपने कम्युनिकेशन पे स्ट्रेस नहीं दिया तो ही विल रिजेक्ट यू बिकॉज जिस चीज़ की उसे ज़रूरत थी एम्प्लॉयर को उस चीज़ पे आपने फोकस ही नहीं किया. एंड प्रोजेक्ट योर पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेंथ अपनी पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पर प्रोजेक्ट कीजिए जो टैलेंट्स हैं आपके अंदर जो स्किल्स हैं जब तक उनको खुलकर ओपनली आप नहीं बताएंगे तब तक आप अपना गुड इम्प्रेशन नहीं बना पाएंगे. सो गुड क्रिएट गुड इम्प्रेशन गुड फर्स्ट इम्प्रेशन पहले ही नज़र में क्योंकि आप वहाँ नहीं जाने वाले हैं आपका रिज्यूमे आपसे पहले वहाँ पहुँच जाएगा तो उसी से अगर आप इम्प्रेशन अगर नहीं अच्छा बन पाया तो आपके जाने का मौका ही नहीं आ पाएगा. तो इसलिए क्रिएट गुड फर्स्ट इम्प्रेशन थ्रू द रिज्यूमेज. क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यू और इंटरव्यू के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिल पाए इंटरव्यू के लिए भी वो आपको बुलाएं. पर वो कैसे बुला पाएंगे अगर वो आपके रेज्यूमे से सैटिस्फाइड होंगे और आपने अगर उनके फ्यूचर अपने फ्यूचर और एम्प्लॉयर की नीड के ऊपर फोकस किया होगा और अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रोजेक्ट किया होगा तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर इंटरव्यू. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू अलग अलग टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं रेज्यूमेज होते हैं. क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में होता है क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस. आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल मीन्स सीक्वेंस वाइज दोगे आप लेकिन उनको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू पोजीशन अप्लाइड फॉर जिस भी पोजीशन के लिए आप अपना अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप अपना एजुकेशन और एक्सपीरियंस पे फोकस करेंगे. वहीं फंक्शनल फॉर्मेट उन लोगों के लिए है जो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं और अलग अलग फील्ड्स में उनका एक्सपीरियंस रहा उनके लिए फंक्शनल फॉर्मेट काफ़ी इफेक्टिव रहता है क्योंकि इससे आप अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस को वहाँ पे वेरीड एक्सपीरियंसेस को स्पेसिफाई कर पाएंगे और एक्सपीरियंस समराइज एरिया वाइज आपने एरिया के वाइज आपने जहाँ जहाँ पर भी अलग अलग एक्सपीरियंस लिया है उनको समराइज करके आप उसमें मैंशन कर सकते हैं. रेज्यूमे में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स आने चाहिए नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मालूम है अपनी पर्सनल आपकी जो भी आपके डिटेल्स हैं वो सब चीज़ें आपके मेंशन होने चाहिए. उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव कि आप करियर में एक्चुअली करना क्या चाहते हैं आप किस जॉब फील्ड में जाना चाहते हैं आपका मोटिव क्या है. देन योर एजुकेशन उसमें आप कॉलेज वगैरह के बारे में बता सकते हैं क्या डिग्री है कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने किया है डेट ग्रेजुएशन वगैरह की कब किया आपने वो सब चीज़ें आपको मेंशन करनी ज़रूरी होती हैं. एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस में आपको अपना डेजिग्नेशन आपने एज व्हाट पोजीशन या क्या जॉब का आपका डेजिग्नेशन रहा उसको मेंशन करेंगे और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया एंड डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आल्सो कि कब से आपने कब तक वो जॉब करी और वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रही वो सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी. नेक्स्ट इज स्पेशल एप्टीट्यूड्स ऑब्लिक स्किल्स और इसके अलावा अगर आपके पास कोई टीम मैनेजमेंट या इस टाइप के स्किल्स हैं लीडरशिप क्वालिटीज चैनल मैनेजमेंट इस टाइप के पर्टिकुलर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ इस टाइप के स्किल्स अगर आप पोजेस करते हैं तो उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज़ और अगर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटीज़ में आपने पार्ट लिया था
मान लीजिए कोई वहाँ पे गेम्स के लिए कोई गए या स्पोर्ट्स को लेकर कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटीज़ थी, वास्ट एक्सपीरियंस रहा, उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं. एंड रेफरेंसेस, ये सब चीज़ें आपको अपने रिज्यूमे में ज़रूर मेंशन करनी चाहिए. दीज आर ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिज्यूमे. नाउ गाइडलाइंस फॉर राइटिंग रिज्यूमे कॉम्पोनेंट्स. अब कुछ गाइडलाइंस आपको दिए जा रहे हैं रिज्यूमे कॉम्पोनेंट्स लिखने के लिए. डिस्प्ले नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन अ प्रोमिनेंट पोजिशन. अब सबसे पहले आपको अपना नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोमिनेंट सही जगह पर ऊपर टॉप में आप लिख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि सामने वाले को या एम्प्लॉयर को ये पता चल जाए कि हु इज़ दिस, और वो एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ आपको रेफर, अगर कभी भी वो आपको बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो आपको ईजिली फाइंड कर सकें कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस क्या है. देन मेक करियर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक. जैसा कि मैंने बोला कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को, फ्यूचर को लेकर अगर स्पेसिफिक नहीं होंगे तो शायद आपका रिज्यूमे जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट चांस मिल ही नहीं पाएगा. और इसमें आपको अपना समराइज करिए एक्सपर्टीज़ का एरिया, कि आप किस में एक्सपर्ट हैं और आपका मेन करियर का मोटिव क्या है, इंटरेस्ट क्या है. वो जब तक क्लैरिफाई नहीं होगा, स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं होंगी, शायद आगे आपका रिज्यूमे इफेक्टिव वे में काम ही नहीं कर पाएगा. एजुकेशन की बात करें तो इसमें आपके जो स्पेशल अचीवमेंट्स रहे, मान लीजिए आपने कहीं अवार्ड लिया या कहीं अच्छा आपका उसका इन्फ्लुएंस रहा या कहीं अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो वो सब चीज़ें भी हाईलाइट होनी चाहिए, स्पेशल अचीवमेंट्स आपकी. एक्सपीरियंस में लिमिटेड एक्सपीरियंस जो है, और जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में आप बता सकते हैं कि आपने अलग अलग कहाँ पर जॉब करी और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा. यूज़ अचीवमेंट ओरिएंटेड वर्ड्स टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंस. कुछ ऐसे अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करिए जिससे आपकी अचीवमेंट्स का पता चले, यानी कि वर्ड्स का यूजेज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना चाहिए. इंटेंशन आपकी शो होनी चाहिए उसके अंदर, क्या कहना चाहते हैं, आपके टैलेंट्स और स्किल का खुल के उसमें अचीवमेंट्स आपके समझ में आने चाहिए. तो उस तरीके के वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं. यूज़ अचीवमेंट ओरिएंटेड वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस. एंड रेफरेंसेस देते टाइम आपको शायद पता होगा, रेफरेंसेस मींस आपके पुराने जहाँ आप जॉब कर रहे थे उनका कुछ रेफरेंस, या आपके प्रिंसिपल्स का स्कूल के, कहीं पे भी कॉलेज वगैरह के, उनका आप रेफरेंसेस दे सकते हैं. बट सीक परमिशन बिफोर लिस्टिंग ऑन रिज्यूमे. बट उनका रेफरेंस देने से पहले उनसे परमिशन ज़रूर ले लें, ऐसा ना हो कि आप उनका मेंशन कर दें और वहाँ उनको एतराज़ हो या किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो आपके लिए जॉब के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है और आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है. नाउ अपीयरेंस की अगर बात करें, देखने में कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है देखने से सबसे पहले इफेक्ट आता है उसका, तो अपीयरेंस भी उसका बहुत नीट क्लीन होना चाहिए. लेंथ जो है उसकी मैक्सिमम आप 2 पेजेस तक रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो ऐसा लगेगा कि आप अपनी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन कर रहे हैं अपनी चीज़ों की, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहे हैं, पब्लिसाइज कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, तो वो नहीं होना चाहिए. शॉर्ट पैराग्राफ्स और कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए, छोटे पैराग्राफ्स हों और लैंग्वेज भी जितना हो सके उसको कंसाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है. इट शुड बी ऑब्जेक्टिव और अप टू द मार्क. रेलेवेंट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड. एक्शन वर्ड्स होने चाहिए. एक्शन मीन्स जो आपने एक्चुअली में काम किया. कंक्रीट वर्ड्स होने चाहिए रादर देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड ऑल. गुड क्वालिटी पेपर. पेपर की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती तो आपकी चॉइस का उससे पता चलता है और आपके अपने इंटरेस्ट का पता चलता है. देन वाइट स्पेस की अगर बात करें तो हर जगह से इतना ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए कि कहीं भी कुछ पढ़ने लायक ही ना रहे. थोड़ा सा वाइट स्पेस भी उसमें रखिए, खाली स्पेस, ताकि ईजी टू रीड टाइप फेसेस हों उसमें, और जो भी आप उसमें कंटेंट में वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, वो ईजी टू रीड होना चाहिए. स्पेशल इफेक्ट्स मत डालिए किसी को बोल्ड या हाईलाइट करके इटैलिक्स में या अंडरलाइन टाइप की. स्पेशल इफेक्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बिकॉज इट ऐसा लगता है यू आर शाउटिंग, शाउटिंग इन द वे आप स्पेशल एग्जैजरेट जब करते हैं चीज़ों को, दैट शुड नॉट बी देयर इन योर रिज्यूमे. और ग्रामर, स्पेलिंग और पंचुएशन का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे पहले आपका रिज्यूमे वहाँ पहुँचा है तो आपकी पर्सनैलिटी को वो पहले ही बता देगा, रिप्रेजेंट कर देगा. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. लेकिन कुछ एरर्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबली लोग अपने रिज्यूमे लिखते टाइम कर देते हैं उसमें, जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए. समटाइम्स द पीपल मेक इट टू लॉन्ग.
वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा लॉन्ग करेंगे तो शायद इसे ये पता चलेगा कि वी हैव वर्कड अ लॉट या हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत बेटर तरीके से हम चीज़ें कर पाएंगे. नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर आप बहुत लॉन्ग रखते हैं अपना रेज्यूमे तो ज़्यादा बेटर इफेक्ट पड़ता है. इनफैक्ट आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप उसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ग्रामेटिकल एरर्स और टाइपोग्राफिकल एरर्स का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी कोई ग्रामेटिकल एरर अगर हो रही है तो वो आपकी पर्सनालिटी को पहले ही, आपकी नॉलेज को पहले ही जज कर लेंगे कि अगर आपको इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है तो व्हाट विल यू परफॉर्म. नो डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब फंक्शंस. कई लोग होते हैं कि अपनी अलग अलग, जैसे जॉब उन्होंने करी, मैंने आपको बताया कि अलग अलग फंक्शनल एरियाज में, कम्युनिकेशन के, रिसर्च के, अलग अलग फील्ड्स में उन्होंने जॉब करी, उसका वो डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं ठीक से कि एग्जैक्टली उनका वर्क क्या था, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, प्रोफाइल क्या था, उसका डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी है. ये कुछ गलतियाँ जो आम लोग कर देते हैं, बट इट शुड नॉट बी देयर इन द रिज्यूमे. अनप्रोफेशनल अपीयरेंस, कई लोगों का होता है बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से, पर्सनल चीज़ें, प्रोफेशनल होना चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मल राइटिंग उसमें होनी चाहिए. टाइप फेसेस और फॉन्ट्स का भी आपने ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग द वाइट स्पेस. और ओमिशन ऑफ अचीवमेंट्स, अब कई लोग होते हैं कि अपनी अचीवमेंट्स कोई स्पेशल, उनको अवार्ड्स मिले हैं, कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, कुछ पर्टिकुलरली उनकी अचीवमेंट्स रही हैं, उनको भी नहीं मेंशन करते, और वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. उन्हें ओमिट बिल्कुल ना करें क्योंकि इट गिव्स अ बेटर व्यू ऑफ योर पर्सनालिटी. जॉब एप्लीकेशन लेटर्स की अगर हम बात करें तो बायोडाटा तो एक हमारा कॉमन रहता है, बट उसके साथ हम एक लेटर जो भेजते हैं उसे हम कवर लेटर भी बोलते हैं. कवर लेटर जो है वो आपका हेल्प करेगी एक्चुअली पर्टिकुलर जॉब्स के लिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर जॉब को आप मेंशन करेंगे, उस कंपनी के अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ में मेंशन करेंगे सब कुछ, और उस कंपनी की डिटेल्स मेंशन करेंगे, अपने कुछ स्किल्स और टैलेंट्स मेंशन करेंगे, ताकि सामने वाला जो एम्प्लॉयर है उसे ये लगे कि यू आर रियली इंटरेस्टेड इन देयर कंपनी एंड यू आर रियली डेडिकेटेड फॉर दिस वर्क. सो इट शुड बी अ सेल्स लेटर यूजिंग टेक्निक ऑफ पर्सुएशन. तो ये एक किस तरह की होना चाहिए, जैसे कि एक सेल लेटर हो, क्योंकि आप उसे उन्हें परसुएड कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस कर रहे हैं अपने आप को खरीदने के लिए एक तरीके से. तो एक टेक्निक आपको आनी चाहिए कन्विंस करने की, परसुएशन की, क्योंकि इट इज़ मोर ऑफ लाइक अ सेल लेटर एंड कैन बी टेलर्ड टू अ स्पेसिफिक पोजीशन. और एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए ही आप इसे टेलर्ड करते हैं. मान लीजिए अगर आप कोई मैनेजर के लिए कर रहे हैं या किसी भी तरीके की पोजीशन के लिए, तो पर्टिकुलरली उसे ही टारगेट करते हुए आप अपने सारे टैलेंट, स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को उसमें बताएंगे. Now there are different types of job application letters. First is solicited letters. Solicited letters applies for current available advertised position. यानी कि अभी उसकी जॉब निकली हुई है जिसकी मार्केट में और उसकी एडवर्टीजमेंट आई है, करेंटली अवेलेबल है जो जॉब, उसके लिए आप सॉलिसिटेड लेटर्स भेजते हैं. और आप डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान इसमें भेजते हैं. डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आप डायरेक्ट किस चीज़ के लिए भेज रहे हैं वो लेटर, उसे आप फॉलो करते हैं. सब्जेक्ट लाइन आप भेजेंगे विद पर्पज. सब्जेक्ट लाइन, जैसा मैंने आपको बताया कि एक लेटर्स में सब्जेक्ट लाइन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पता चल जाए कि आपने वो किस पर्पज के लिए भेजी है. और मेन आइडिया आपका पहले आना चाहिए कि आप कौन सी पोजीशन के लिए जॉब भेज रहे हैं. मेन आइडिया पहले आने को ही हम डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बोलते हैं. और फिर आप रीजंस बता सकते हैं कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, कि आप अपनी पुरानी जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, या और इसके लिए आप क्यों इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए, वो सब रीजंस आप दे सकते हैं. एंड देन विद अ फ्रेंडली क्लोज यू कैन एंड द लेटर. नाउ अबाउट द अनसॉलिसिटेड लेटर्स, ये वो लेटर्स होती हैं जो उन पोजीशंस के लिए आप अप्लाई करते हैं जो एक्चुअली अभी अवेलेबल नहीं है, बट यू वांट टू अप्लाई, ताकि हो सकता है कि कभी उनके पास उस चीज़ की ऑफर हो तो देल कॉन्टैक्ट यू फॉर दैट जॉब. और कैन क्रिएट जॉब ओपनिंग्स, हो सकता है अगर ओपनिंग नहीं भी है तो आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस को देखकर वो जॉब ओपनिंग क्रिएट भी हो सकती है. इससे आपका टाइम और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी बच जाएगा, सेव हो जाएगा. एंड इसमें आपको इनडायरेक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल एडा प्लान फॉलो करना होता है, जिसके अंदर आपको ये एडा प्लान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी. एडा प्लान इज अटेंशन इंटरेस्ट डिज़ायर एक्शन. जो आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज गेन अटेंशन ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयर. पहले तो एडा प्लान में आपको पोटेंशियल एम्प्लॉयर का अटेंशन गेन करना होगा, जो भी आप एम्प्लॉयर को भेज रहे हैं. फर्स्ट इज ए फॉर अटेंशन, सो यू नीड टू गेन अटेंशन ऑफ योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर. देन इज आई, आई इज फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट.
आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, इसमें आपको अपने ही लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा. रिलेट क्वालिफिकेशन टू नीड्स ऑफ स्पेसिफिक पोजिशन, जिस चीज़ की पोजिशन की जॉब निकली हुई है उसके अकॉर्डिंगली अपनी क्वालिफिकेशन को रिलेट करें ताकि उनका इंटरेस्ट आपकी आपके अंदर बढ़ जाए. देन यू इंड्यूस डिज़ायर, डी स्टैंड फॉर डिज़ायर, अब आप उनका डिज़ायर क्रिएट करेंगे क्योंकि वो आपको ही अब लेना चाहते हैं, आपको ही हायर करना चाहते हैं. यू कन्विंस पोटेंशियल एम्प्लॉयर ऑफ मेजर स्ट्रेंथ्स, प्रोवाइड एविडेंस, अब आप अपनी स्ट्रेंथ्स का एविडेंस देते हुए उनको ये डिज़ायर क्रिएट कर देंगे कि वो आपको ही रखें, यू आर द बेस्ट हु रियली डिजर्व दैट जॉब. एंड ए स्टैंड फॉर एक्शन, यू विल आस्क फॉर एक्शन नाउ कि जैसे ही कोई स्पेसिफिक ओपनिंग हो इस फ्यूचर में आपके लिए तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो ये एडा फॉर्मेट हम अनसॉलिसिटेड लेटर्स में फॉलो करते हैं. नाउ अदर लेटर्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रिकमेंडेशन लेटर्स, जिसमें रिकमेंडेशन से आप जान सकते हैं कि एप्लीकेंट सूटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक पोजीशन, आप कोई किसी की रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि ये एप्लीकेंट आपको इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ठीक लगता है. मान लीजिए कोई क्लेरिकल जॉब है, ऑफिशियल जॉब है, फील्ड जॉब है, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है कि वो आपको ठीक लगता है तो यू आर रिकमेंडिंग दैट पर्सन फॉर दैट जॉब. इसमें आप उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सेफगार्ड्स लीगल दे सकते हैं कि आपके आपके मतलब सेफगार्ड का बंदा है वो काफ़ी कन्विंस्ड हैं आप उससे और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्दर लाइफ में या फ्यूचर में. तो आप उनकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देते हुए रेलेवेंट कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं या उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो साथ साथ में आप अपना पूरा उसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और अपना पूरा उनको ये बता सकते हैं कि आपके आपके ही नोन का बंदा है या आपके ही कोई जानने वाला है, जिससे उनको ये इस बात का सेफगार्ड रहेगी, उनको रखने में किसी भी तरह की आगे कोई परेशानी नहीं होगी. और कुछ लेटर्स होती हैं जॉब एक्सेप्टेंस लेटर, जिसमें कि ऑब्वियसली आप नाम से ही पहचान सकते हैं, जिसमें एक्सेप्टेंस आएगा आपकी जॉब का कि आपने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली है. इसमें आप डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉलो करते हैं. वहीं जॉब रिफ्यूज़ल लेटर्स में, जिसमें आप मना कर रहे हैं, उसमें आपको एडा फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा. पहले आप अटेंशन गेन करेंगे, देन ड्यूज, आप डायरेक्टली उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, धीरे धीरे पहले उसका रीज़न देते हुए आप फिर उस पॉइंट पर आएंगे. देन थैंक यू लेटर, जो थैंक यू लेटर होता है वो आप फॉलो अप आफ्टर इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आप भेजते हैं फॉर गिविंग थैंक्स टू द पर्सन. नाउ अबाउट मेमो राइटिंग की अगर हम बात करें तो मेमो जो है वो यूजली एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जाता है. ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है और ये कुछ नोटिस होता है जो इंडिविजुअल्स को पर्टिकुलरली दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. मान लीजिए कि अगर आपका बॉस जो है वो आपको कोई तरह का इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, पर्टिकुलरली किसी चीज़ की डिटेल देना चाहते हैं या आपको कोई मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो वो एक मेमो भेजेंगे आपको. दिस इज़ एड्रेस टू सर्टेन इंडिविजुअल एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ नोटिस गिवन टू इंडिविजुअल. इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ शॉर्ट कम्युनिकेशन यूजुअली रिटन ऑन अ प्रिपेयर्ड फॉर्म. एक प्रिपेयर्ड फॉर्म होता है, एक पर्टिकुलरली इसका फॉर्मेट रहता है जो फॉलो करते हैं हम, और एक शॉर्ट कम्युनिकेशन. इसमें एक पॉइंट ही हम एक बारी में, पूरा लेटर नहीं है जिसमें आप काफ़ी चीज़ें उठा रहे हैं, और इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में ही ये काम करता है. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनली इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मेमो इज जनरली ऑफ वन सब्जेक्ट एंड अबाउट अ पेज इन कंटेंट. जैसा कि मैंने आपको बोला, शॉर्ट रहता है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, और किसी एक चीज़ के लिए, मान लीजिए मीटिंग के लिए एड्रेस कर रहे हैं या कोई भी और डिटेल्स के लिए, तो आप किसी एक इंडिविजुअल को ये दे सकते हैं. इट इज़ जनरली ऑफ वन सब्जेक्ट एंड अबाउट अ पेज. फॉर एग्जाम्पल, कोई सीरियस क्राइम या मिसचीफ किसी ने करा है तो आप उसको लेटर भेज रहे हैं, मेमो भेज रहे हैं. ही मे बी पनिश्ड और सस्पेंडेड पर्सनली, तो आप उसको वो मेमो भेजेंगे कि उसे पनिश किया जा रहा है या सस्पेंड किया जा रहा है. तो इट शुड बी ऑफ वन सब्जेक्ट एंड अबाउट अ पेज. वाइल राइटिंग मेमोज आपको ये ध्यान रखना चाहिए, वी डू नॉट राइट एनी फॉर्मल एड्रेस एट द बिगनिंग. हम कभी भी इसमें कोई फॉर्मल एड्रेस नहीं देते हैं, और इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो होता है, डियर सर, थैंकिंग यू वगैरह, इसमें हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते. इट इज़ नॉट लाइक अ लेटर, इट इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि हमें ये शॉर्ट कम्युनिकेशन और थोड़ा फास्ट उसी टाइम हम उन्हें भेज रहे हैं, तो इस टाइप के बिगनिंग्स या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स हम ऐड नहीं करते हैं. मेमो राइटिंग एक इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन में यूज़ होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन.
हम इसे बाहर नहीं भेजते हैं। अब इस यूनिट आउटलाइन में आप शायद समझ पाए होंगे कि व्हाट इज़ मेमो एक्चुअली। इसके कुछ प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट्स हम इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द लैंग्वेज, कि किस टाइप की एक्चुअली मेमो में हमें लैंग्वेज वगैरह किस टाइप की यूज़ करनी चाहिए। ये एक टूल है फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कंडेंस्ड रिपोर्ट, जितना हो सके उसको उतना छोटा ब्रीफ में करके, सिमिलर टू प्रिसिस, और इनफॉर्मल भी हो सकता है ये थोड़ा सा, क्योंकि हम इसमें इतना ज़्यादा फॉर्मल और प्रोफेशनल नहीं इसमें ध्यान देते हैं, बिकॉज हम एक सर्टेन एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को ये भेज रहे हैं। एक प्रिंसिपल ऑफ प्रिसाइज राइटिंग को हम फॉलो करते हैं इसमें, दैट सी, थ्री सीज, कंडेंसेशन मतलब बहुत ब्रीफ, कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, सी, थर्ड सी स्टैंड फॉर कवरेज। कवरेज मीन्स आपकी बात कम से कम पूरी कवर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप उसे इतना कंडेंस कर दें कि सामने वाले को समझ ही ना आए और आपका पूरा बात भी उसमें कवर ना हो पाए। हमें तीनों चीज़ों पे ध्यान देना है कि कंडेंस भी हो, कॉम्प्रिहेंशन भी हो और कवरेज भी हो। उसमें मेन थीम आप बता सकते हैं, टॉपिक की आप किसके ऊपर लिख रहे हैं, देन अबाउट द कॉम्पोनेंट्स, आपके मेन आइडियाज उसमें क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, किसी को पनिशमेंट के लिए है, किसी को मीटिंग के लिए एड्रेस कर रहे हैं, कीवर्ड्स उसमें आपके एलिमेंट्स होने चाहिए। और मेन पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ऊपर आप इसमें हेडर देते हैं, हेडर में टू मतलब किसे भेज रहे हैं, फ्रॉम किसकी तरफ से वो आया, डेट और सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट में जिस चीज़ के लिए आपने वो मेमो भेजा है वो मेंशन करेंगे आप, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। बॉडी में मेन टेक्स्ट आप देंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्लोज में कॉल फॉर एक्शन कि आप लास्ट में उनसे क्या चाहते हैं, अगर आप मीटिंग वगैरह के लिए ड्रेस कर रहे हैं या पनिशमेंट के लिए, तो आप लास्ट में उनको बोलेंगे यू आर सस्पेंडेड फॉर 1 वीक। तो इस तरह का जो भी आप एक्शन उनसे कराना चाहते हैं आप उससे क्लोज करेंगे। एंड सी सी इज़ ऑप्शनल, सी सी इज़ फॉर कार्बन कॉपी, आप जिस जिस को भी भेजना चाहते हैं वो आप भेज सकते हैं। फॉर्मेट में इसमें भी दो फॉर्मेट आ जाते हैं, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल और इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि डायरेक्टली आप पॉइंट पे आ जाएंगे, वो हम इन्फॉर्मेशनल मेमो में यूज़ करेंगे क्योंकि आप उसमें सीधा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल में आप किसी चीज़ के लिए परसुएड कर रहे हैं उन्हें, तब आप सीधा डायरेक्टली उस चीज़ पे नहीं आएंगे, पहले उसका रीज़न क्रिएट करेंगे, उसका कॉज क्रिएट करेंगे, देन यू कम टू दैट पॉइंट। कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको मेमो लिखते टाइम हमेशा याद रखनी चाहिए, इट शुड बी वेरी ब्रीफ, वेरी शॉर्ट, और एक्टिव वॉइस आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज हो, बिल्कुल क्लियर कट। डू नॉट गिव टू मेनी रीजंस, बहुत ज़्यादा रीजंस की या बहुत एग्जैजरेट करने की, बहुत लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एट द लास्ट यू नीड टू आस्क फॉर एक्शन, जो भी आप उनसे करवाना चाहते हैं, जो भी उनसे आप वो मेमो के थ्रू आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप परसुएड कर रहे हैं कि आप वो जो आपका प्रोडक्ट जल्द से जल्द खरीदें, किसी भी तरीके का जो उनसे आप डिमांड कर रहे हैं, वो लास्ट में आपका एक्शन जरूर उनके लिए आपको बात करनी चाहिए। मेमो इज यूजली एड्रेस टू इंडिविजुअल, इट इज़ अ टाइप ऑफ नोटिस गिवन टू इंडिविजुअल, एंड इट इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं इट्स अ शॉर्ट कम्युनिकेशन यूजली रिटन ऑन प्रिपेयर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स फॉर हीनस और सीरियस क्राइम और मिस्चीफ डन बाय अ मैन। डू इट योर सेल्फ की अगर हम बात कर रहे हैं, हाउ टू राइट अ मेमो एंड राइट योर ओन रिज्यूमे। थैंक यू।